बच्चे हो या बड़े, आजकल सभी पर फैशन का भूत सवार है। पुराने जमाने में जहां लोग हवाई चप्पल पहनकर ही पूरी दुनिया घुमाते थे, वहीं आजकल लोगों को इन चप्पलों को पहनने में शर्म आती है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि नए जमाने की नई चप्पलें क्लोक्स आखिर कैसे तैयार की जाती हैं, जिनके लिए आजकल सभी पागल हुए पड़े हैं। तो क्लोक्स की जो चप्पलें होती हैं, उन्हें प्लास्टिक और रबड़ के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इन्होंने ये प्लास्टिक और रबड़ के मिश्रण वाले दाने ले लिए हैं। जिस कलर की क्लोक्स बनानी हो उसी कलर के दाने लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर के दाने लिए हैं और उसमें व्हाइट कलर के दाने भी मिलाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर इन दानों से जो चप्पलें बनेंगी वो अपनी ऑरेंज और व्हाइट कलर की होंगी। तो अच्छे से देखिए, इन दानों को आपस में मिला लिया गया है। अब इन दानों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इन प्लास्टिक के कप्स के अंदर लिया जा रहा है और हर एक ऐसे कप से यहाँ पर एक चप्पल बनकर तैयार होगी। इसके बाद यहाँ पे की जाती है मशीन की सफाई। इसे अच्छे से साफ किया जाएगा, जिससे कि कोई गंदगी इसके अंदर हो वो यहाँ से हट जाए, या पुरानी बनी हुई चप्पल का कोई प्लास्टिक या रबड़ का टुकड़ा यहाँ पे रह गया हो तो वो भी यहाँ पे हट जाए। हाथ से अच्छी तरीके से साफ करने के बाद देखिए, पानी का प्रेशर वाला पंप लिया है, अब उससे भी इसे बढ़िया तरीके से साफ किया जा रहा है। ऊपर से, नीचे से, हर जगह से मशीन बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ की जाएगी। और उसके बाद जो ग्लास के अंदर अपने दाने लिए हुए थे प्लास्टिक और रबड़ के, वो इसमें जो सांचे बने हुए मशीन में उसके अंदर डाले जा रहे हैं। हर ग्लास के अंदर बिल्कुल नपे हुए फिक्स क्वांटिटी में ये दाने हैं, उन्हें इन सांचों के अंदर डाला जा रहा है। और ये जो चप्पल की शेप के सांचे हैं, ये सारे अलग अलग साइज के हैं, तो काफी सारी साइज की चप्पलें यहाँ पर एक ही बारी में बन जाएंगी। तो देखिए, सारे सांचे इन दानों से भर दिए गए हैं और उसके बाद मशीन को स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो सांचे वाला हिस्सा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर वाले हिस्से के साथ मिलकर इन दानों को यहाँ पे प्रेस किया जाएगा और साइमल्टेनियसली हीट भी किया जाएगा। लगभग 2 मिनट ये ऐसे ही रहेंगे इसी पोजीशन में और उसमें ही अपनी ये चप्पल इसके अंदर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए, अभी हिस्सा अपना नीचे की तरफ आएगा और ऊपर आप देख सकते हैं अपनी जो क्लोक्स हैं वो तैयार हो गई हैं। जो गर्मा गर्म ये क्लोक्स तैयार हुई हैं, अभी ये पहनने के लिए रेडी नहीं है, अभी इनमें और भी काम होना बाकी है। तो इधर से उतार के इन्हें टेबल पर ले आए हैं, जहाँ पर इनके अंदर ये जो पाँव के शेप के ढांचे हैं वो घुसाए जा रहे हैं, जिससे कि अंदर से ये पाँव के आकार का शेप ले लें। कोई 5-6 मिनट इन्हें ऐसे ही छोड़ा जाएगा कि इनकी शेप बिल्कुल सही हो जाए, और उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इनके अंदर से ढांचा निकाल लिया जाएगा और लेफ्ट और राइट पैर की जोड़ियां अपनी एक साथ इकट्ठी कर ली जाएंगी। फिर प्लास्टिक का धागा लिया जाएगा और इन जोड़ियों को साथ में बांध दिया जाएगा। और सबसे कमाल की जो चीज है वो है इनका प्राइस। ऐसी जो एक जोड़ी क्लोक्स तैयार होती है उनका प्राइस होता है केवल 25 रूपए। जी हाँ, कोई क्लिकबेट नहीं, सच में केवल 25 रूपए ही होता है इनका प्राइस। आप चाहे तो इन्हें इस बेसिक डिजाइन में खरीद सकते हैं, जिसमें पीछे बेल्ट नहीं आती है। आप बेल्ट वाला ऑप्शन चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बनाया जाता है, जिसमें पीछे आप देख सकते हैं इनके बेल्ट लगा दी जाती है बढ़िया ग्रिप के लिए। आपको प्लेन कलर में लेने हैं वो भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, आपको प्रिंटेड लेने हैं तो वो भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। अगर आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जाके सिमिलर चीज लेंगे, सस्ते से सस्ता आपको 2500-3000 रूपए में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 25 रूपए में। अब यहाँ 25 और वहाँ 2500, इतना बड़ा अंतर क्यों है ये आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है क्वालिटी की वजह से है तो एक बार आप क्वालिटी भी देख लीजिए। ये देखिए भैया, पूरा सैंडविच बना दिया भैया, ये देखिए भैया, एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आएगा, वापस अपनी शेप में क्रॉक्स वापस भैया, ये होती है क्वालिटी भाई। ये देखिए, 5-5 पेयर के ऐसे बंडल्स रहते हैं, इतना प्यारा माल रहने वाला है। ये देखिए भैया, बल्क ऑर्डर्स पे आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान मंगवा लो भाई, दुबई मंगवा लो, बांग्लादेश मंगवा लो, अफ्रीका मंगवा लो, जहाँ बोलो तो माल भेज दूंगा। 12 रुपए से चप्पल स्टार्ट रहती है भैया, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए। तो गाइस, अगर आपको क्लॉक्स पसंद है यहाँ से मंगवा कर आप पहन सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।